मूवीज हम देखते हैं एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी मूवीज होती हैं जो हमको थोड़ा दिमाग लगाने में मजबूर कर देती है, सोचने में मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी भी मूवीज हैं जिसको देख के हम लोग थ्रिल्ड हो जाते हैं। इस टाइप की मूवीज में खून और डेथ को इतना डरावने तरीके से दिखाया जाता है कि ये हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं। लेकिन सच बात तो ये दोस्तों कि अगर ये मूवी कोई शुरू कर दे देखना तो फिर उसे वो एंड करके ही छोड़ता है। ऐसी मूवीज को हम कहते हैं स्लैशर मूवीज, और इसके जॉनर में रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइजी सबसे फेमस है। अगर आप रॉन्ग टर्न के सारे पार्ट्स देख चुके हो और न्यू स्लैशर मूवीज देखना चाहते हो दोस्तों, तो फिर सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बेस्ट, जहां हम पेश करते हैं टॉप 10 लिस्ट ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज। और आज हम लेके आए हैं टॉप 10 बेस्ट स्लैशर हॉलीवुड की मूवीज लाइक रॉन्ग टर्न पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे दोस्तों, तो फिर ये दो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसको भी जरूर फॉलो करें दोस्तों। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की और बात कर लेते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 पे नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट, जो कि आई थी 2020 में, फैंटेसी हॉरर एंड मिस्ट्री जॉनर की, IMDb रेटिंग है 4.9। बात करें इसके बारे में तो एक टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट टीनेजर्स का ग्रुप मस्ती के लिए एक कैंप में जाते हैं दोस्तों, लेकिन वहां उनको एक अजीब सा किलर मिल जाता है जो कि लोगों को मारता है। अब ये वहां से कैसे बचेंगे, जानने के लिए आप ये मूवी बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। मूवी अवेलेबल है दोस्तों नेटफ्लिक्स में, से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। बात की जाए नंबर 9 के बारे में, नंबर 9 पहले द फेस, जो कि आई थी 2017 में, क्राइम हॉरर एंड थ्रिलर जॉनर की, दोस्तों IMDb रेटिंग है 5। दोस्तों ये कहानी है एक एग्रेसिव टीन बॉय के बारे में जो कि एक साइकोपैथिक हॉस्पिटल से एक नर्स को किडनैप करके भाग जाता है, लेकिन वहां वो एक गलती कर बैठता है और वो डेड बॉडीज को पीछे छोड़ के आ जाता है, और इस गलती का फायदा उठा के एक शेरिफ उसका पीछा करता है। यही कहानी के पीछे कितना खून बहता है और कितने लोग मारे जाते हैं दोस्तों, जानने के लिए ये मूवी जरूर देखें। मूवी में एक्टिंग खराब नहीं है, लेकिन अगर और भी अच्छा होता तो ज्यादा मजा आ जाता। ऑडियंस का इसे लेकर मिक्स रिएक्शन है दोस्तों। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी आपको मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, इसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। बात की जाए नंबर 8 के बारे में दोस्तों, नंबर 8 पे द केव, जो कि आई थी 2005 में, एडवेंचर हॉरर एंड साईफाई जॉनर की, IMDb रेटिंग है 5.1। दोस्तों द केव मूवी उन गिने चुने स्लैशर मूवीज में आती है जिसमें साईफाई जॉनर को अच्छी तरह से यूज किया गया है। केव ड्राइवर्स के ग्रुप को एक केव के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एस्केप रूट बंद हो जाता है और उस केव के अंदर एक मॉन्स्टर धीरे धीरे हंट करने लगता है। मूवी PG-13 रेटिंग होने के बावजूद भी काफी डिस्टर्बिंग है। मूवी में सस्पेंस के साथ साथ साईफाई का तड़का एक अलग ही लेवल का मजा देता है दोस्तों। मूवी प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। नंबर 7 पे दोस्तों टूरिस्ट स्टार्स, जो की आई थी 2006 में, हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर जॉनर की, IMDb रेटिंग है 5.4। दोस्तों ये स्टोरी एक टूरिस्ट ग्रुप्स के बारे में है जो एक ब्राजीलियन कोस्ट जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने आप को एक स्ट्रेंज विलेज में पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जानते हैं कि उस विलेज में कुछ स्ट्रेंज चीजें हैं। क्या वो वहां से बच के आ पाएंगे या फिर वहीं पे रह जाएंगे, जाने के लिए ये मूवी जरूर देखें दोस्तों। मूवी में हॉरर से ज्यादा थ्रिल एलिमेंट्स पे काम किया गया है, इसलिए मूवी आपको शुरू से अंत तक बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। मूवी में काफी सारे बिकनी और सेक्स सीन्स भी हैं, तो मूवी तभी देखना दोस्तों अगर आप 18+ हो। मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। नंबर 6 पे हेलफेस्ट, जो कि आई थी 2018 में, हॉरर और थ्रिलर जॉनर की, IMDb रेटिंग है 5.5। बात करें इसके बारे में दोस्तों, तो हेलफेस्ट एक ऐसी मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी या फिर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर स्लैशर मूवी की तरह इसमें वो सब कुछ है जो कि आपको थ्रिल देगी। एक अम्यूजमेंट पार्क जिसका थीम हॉरर का था, उसमें कुछ रियल सीरियल किलर्स घुस आते हैं और लोगों को मारना चालू कर देते हैं, लेकिन वहां के लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि पार्क थीम ही हॉरर का है। लेकिन वहां पे एक ग्रुप है जिसको सब कुछ पता चल गया है, तो वो क्या करते हैं और वहां से कैसे बच के आते हैं, जानने के लिए आपको देखना होगा दोस्तों ये मूवी हेल्फेस्ट। और ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे, इसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। They walk amongst. You'll totally lose it in there. Yeah. Help me!
तो दोस्तों टॉप 5 से पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नए वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। फ्रेंड्स, नंबर 5 पे है सॉ द फाइनल चैप्टर, जो कि आई थी 2010 में। एक्शन एडवेंचर और क्राइम जॉनर की है। IMDb रेटिंग है 5.5। बात करें इसके बारे में दोस्तों, तो ये मूवी सॉ फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी थी, तो इसीलिए स्टूडियो ने इस मूवी पे पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इतनी चली नहीं, पर मूवी में दम तो थी। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक आदमी अपने पॉपुलैरिटी के लिए ये झूठ बोलता है कि वो एक सर्वाइवर है, लेकिन तकलीफ तब बढ़ जाता है दोस्तों जब वो एक रियल गेम में लैंड करता है। मूवी में स्लैशर मूवीज के सारे एलिमेंट्स भर भर के दोस्तों। मूवी आप अमेज़न प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं इंग्लिश में। बात करें नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 पे द डिसेंट पार्ट 2, जो कि आई थी 2009 में। एडवेंचर हॉरर और थ्रिलर जॉनर की है। IMDb रेटिंग है 5.7। दोस्तों ये मूवी एक अलग स्लैशर मूवी के सीक्वल्स की तरह ही है, जो कि फर्स्ट मूवी के कंपेयर में बेहतर तो नहीं है, लेकिन मूवी बिल्कुल बेकार भी नहीं है। इस तरह की मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें ब्लड, डेथ और सुपर नेचुरल हॉरर सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ अथॉरिटीज को ब्लड से कवर्ड एक लड़की मिलती है जिसको कुछ भी याद नहीं। वो अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं कि लड़की को इंसिडेंट की जगह फिर से ले जाएंगे और वहां का क्या क्या हुआ सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे क्या हुआ और पहले क्या हुआ था, दोनों ही चीजों को जानने के लिए दोस्तों आप ये मूवी बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों प्राइम वीडियो पे, से आप हिंदी में भी देख सकते हैं। बात की जाए नंबर 3 के बारे में। अब नंबर 3 पे है द टॉल मैन, जो कि आई थी 2012 में। क्राइम ड्रामा और हॉरर जॉनर की दोस्तों। IMDb रेटिंग है 5.9। द टॉल मैन जब रिलीज हुई थी दोस्तों, तब इसका रिव्यू बेकार आया था, लेकिन मूवी में सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक मूवी को अच्छा बनाती है। प्रोडक्शन क्वालिटी, एक्टिंग और ट्विस्ट सब कुछ मूवी में सही तरीके से फिट होता है। अगर कहानी की बात की जाए दोस्तों, तो एक सिंगल मदर जो कि नर्स का काम करती है, उसका बेटा मिसिंग हो जाता है, तो ये डाउट करती है कि शायद ये किडनैपिंग है और ये किडनैपिंग कोई अर्बन लीजेंड कर रहा है, तो वो रेस्क्यू मिशन में लग जाती है। मूवी के निगेटिव की बात करें दोस्तों, तो स्टोरी डिलीवरी में थोड़ी कमी रह गई है, लेकिन मूवी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर आप इसे देखना चाहते हो दोस्तों, तो इसे आप देख सकते हो Amazon प्राइम वीडियो पे इंग्लिश में। नंबर 2 की बात की जाए फ्रेंड्स, नंबर 2 पे है एनाटॉमी, जो कि आई थी 2000 में। हॉरर और थ्रिलर जॉनर की। IMDb रेटिंग है 6। बात की जाए इसके बारे में, तो ये मूवी एक बेहतरीन हॉरर स्लैशर मूवी है। मूवी की स्टोरी की बात की जाए, तो एक मेडिकल स्टूडेंट है दोस्तों, जो कि रिनाउंड हॉस्पिटल में समर कोर्स कर रही होती है, लेकिन इसको बाद में पता चलता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि उसी हॉस्पिटल में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। तो फिर आगे क्या होता है दोस्तों और वो क्या करती है, ये सब रोकने के लिए इसके लिए ये मूवी जरूर देखें आप। ये आपको नेटफ्लिक्स पे जर्मन लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं। अब बात की जाए नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 पे है मिरर्स, जो कि आई थी 2008 में। हॉरर और मिस्ट्री जॉनर की। IMDb रेटिंग है 6.1। दोस्तों मिरर मूवी इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है। मूवी में हॉरर एलिमेंट्स थोड़ा ज्यादा है, तो मूवी आपको डराने में बिल्कुल कामयाब है। स्टोरी की बात की जाए, तो एक आदमी एक पार्शली डैमेज प्रॉपर्टी में रात को चौकीदारी करता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के सारे मिरर में उसको कुछ अजीब और डरावनी चीजें देखने को मिलती हैं। और जब उसकी एक बहन की डेथ हो जाती है, तो वो पूरी तरह से समझ जाता है कि इस बिल्डिंग में कुछ हॉरर जरूर है। मूवी हॉरर जॉनर होने के बावजूद इसमें सारे किल स्लैशर एलिमेंट के साथ दिखाए गए हैं दोस्तों। मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पे सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके साथ हम यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमको हर जगह फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।